टू माय चैनल गाइस। तो आज हम देखेंगे बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी में कहाँ पे मूवमेंट हुआ था और एक्सपायरी के दिन यानी कल के दिन हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको आज का ट्रेड बता दे रहा हूँ कि आज जो हम लोग ने ट्रेड लिया हुआ था, हम लोग ने ट्रेड आज इस यहाँ पे कहीं पे लिया हुआ था, आप देखेंगे तो जो शॉर्ट मैंने डाला हुआ है और SL हम लोग ने इसका लो रखा हुआ था। यहाँ पे रीज़न क्या था गाइस ट्रेड लेने का, आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा यहाँ पे एक ट्रेड लाइन भी यहाँ पे फॉलो कर रहा था और साथ में मार्केट यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से एक अच्छा खासा एक हैमर कैंडल यहाँ पे बनाया हुआ था जो मार्केट को एक पॉजिटिव यहाँ पे उसको ग्रोथ देता है यहाँ पे गाइस। तो उसके बेस पे और एक यहाँ पे एक अच्छा खासा आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी समय सस्टेन किया और देन एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है। इस ब्रेकआउट के बेस पे हम लोग ने यहाँ पे ट्रेड बनाया हुआ था और टारगेट हम लोग ने इस डे का थोड़ा सा लो रखा हुआ था और आप देखेंगे तो हमारा एक अच्छा खासा यहाँ पे एक टारगेट डन हुआ है गाइस। एक तो बैंक निफ्टी में आज यही एक पोजीशन बना हुआ था जो एक ब्रेकआउट था, एक अच्छे लेवल पर था। और अभी बात कर लेते हैं इसमें कल के दिन हम लोग यहाँ पे क्या ट्रेड कर सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं, जो लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेगा अभी देखेंगे हम लोग करंट लेवल में मार्केट को गाइस। तो कहीं ना कहीं मार्केट हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा है गाइस, आप देखेंगे तो एक इसके पास रेजिस्टेंस है यहाँ पे, एक ट्रेड लाइन यहाँ पे फॉलो कर रहा है आप देखेंगे तो, और नीचे की तरफ से भी एक यहाँ पे ट्रेड लाइन यहाँ पे फॉलो कर रहा है गाइस। अगर कल मार्केट इसी रेंज के यहाँ पे कहीं ओपन होता है या यहाँ पर ओपन होता है इसी रेंज के अंदर, तो फिर अगर ये ब्रेक डाउन देता है नीचे की ओर तो एक अच्छा खासा हमें नीचे का भी फॉल मिल सकता है, और अगर ये ऊपर देता है तो हमें ऊपर की ओर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। चांसेस क्या है गाइज, यहाँ पे चांसेस है क्योंकि यहाँ पे जो सेलर है यहाँ पे उन्होंने पोजीशन बना चुके हैं और उनका SL अब इसके नीचे ही होगा गाइज। तो यहाँ से कहीं ना कहीं जो यहाँ पे पुट शॉर्ट करके बैठे हुए हैं तो उनके हिसाब से यहाँ पे हमारा क्या है इस समय यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे, तो चांसेस ज़्यादा रहेगा कि मार्केट कल ऊपर निकल सकता है गाइज। तो इसमें मैं लेवल से मार्क कर दे रहा हूँ कल के दिन हम लोग का क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्राइंग को रिमूव कर ले रहा हूँ और कल के दिन हम लोग को ट्रेड करने के लिए गाइज इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा एक ये लेवल रहेगा जो आज मार्केट ने कहीं ना कहीं ये सेकंड जो इसने हाई लगाया है ये हम लोग का लेवल रहेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो फिर हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे ऊपर जाते हुए मार्केट मिल सकता है और नीचे के लिए गाइज ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा जो ये लेवल से गाइस। अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो फिर एक अच्छा खासा हमें रैली यहाँ पे नीचे साइड में भी देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पे एक ट्रेड लाइन मार्क कर दे रहा हूँ आप देखेंगे तो ये एक ट्रेड लाइन रहेगा ऊपर के लिए और डाउन ट्रेंड के लिए एक ये हमारे पास ये रहेगा गाइस। तो इसको भी हम लोग कल ऑब्जर्व करेंगे और उसके हिसाब से देखेंगे। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है यहाँ पे आप देखेंगे तो फिर मार्केट कहीं ना कहीं फिर एक हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा और देन उसके बाद यहाँ पे अप साइड या फिर डाउन साइड के लिए ट्रेड करना पड़ेगा। अगर मार्केट कल ब्रेकआउट खुलता है या काफ़ी गैप अप खुल जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक देखेंगे चांसेस यही है कि मार्केट ऊपर ही निकलेगा बट एक सपोर्ट लेवल देखेंगे और एक अच्छा कैंडल देखेंगे नीचे की तरफ पे और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे कॉल का पोजिशन यहाँ पे बना सकते हैं गाइस। बात कर लेते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी भी आज कहीं ना कहीं होल्ड किया है अपर लेवल पर आप देखेंगे तो, और इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल ये रहेगा और नीचे साइड के लिए हम लोग बात करें तो ये रहेगा क्योंकि ये भी यहाँ भी एक कहीं ना कहीं सेलर अभी पोजीशन बना चुके हैं यहाँ पर और उनके हिसाब से अब मार्केट जब ऊपर अगर रेंज है तब तक वो होल्ड किए रहेंगे, उनके लिए ये ट्रेलिंग हैसल रहेगा। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तभी वो अपना पोजीशन एग्जीक्यूट करेंगे यानी बाहर करेंगे और देन उसके बाद यहाँ पर एक अच्छा खासा फॉल यहाँ पर देखने को मिलेगा गाइस। बट यहाँ कल के दिन अगर हम लोग देखेंगे तो कल के दिन हमें हमारे पास क्या लेवल रहेगा इसमें, तो हम लोग इसमें 50 मिनट कैंडल में देख लेते हैं पहले। तो इसमें देखेंगे तो इसमें भी कहीं ना कहीं बायर अभी भी पोजीशन बनाया हुए हैं और इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग कंटिन्यू बाइंग कर सकते हैं और सेलिंग के लिए गाइस इसके नीचे हम लोग प्लान करेंगे जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आता है क्योंकि यही सेलर का अभी ट्रेलिंग ऐसा रहेगा और इसके नीचे अगर निकलता है मार्केट तो फिर हमें एक अच्छा खासा फॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की गाइस, सॉरी ये गाइस हमारा फिन निफ्टी था जो मैंने अभी बताया, इसमें ये फिन निफ्टी था और अभी यहाँ पे निफ्टी है। तो अभी हम लोग निफ्टी की यहाँ पे बात कर लेते हैं, निफ्टी के लिए भी सेम रहेगा ये हमारा जो लेवल्स है ये इसके ऊपर निकलेगा तो हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे और इसके नीचे अगर जाते हैं तो हम लोग का सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे गाइस कल के दिन ट्रेड करने के लिए गाइस।
तो आज के लिए गाइस इतना है, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।